हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो गया है और इस समय का व्यू देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का है। पूरी तरह से धुंध लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा धुंध है आज, धुंध भी बहुत ज़्यादा है और दोस्तों ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। 6:15 हो जाए, नींद टूटा है, अभी 6:30 हो रहा है, अभी आ चुका हूँ मैं इधर। और दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे, और अभी मैदान भी नहीं किया है, चलते हैं टॉयलेट करते हैं मैदान और वीडियो अपलोड करके फिर यहाँ से निकलते हैं। ठंडा काफ़ी है आज, ठंडा और धुंध दोनों है आज। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मैदान करके आते हैं, फिर यहीं पर बैठेंगे। फाइनली दोस्तों मैदान करके आ गया और चलता हूँ, बैठता हूँ यहाँ पे। दोस्तों एक पूल है छोटा सा, एक यहीं पे बैठते हैं थोड़ा सा और उसके बाद में यहाँ से चलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं घर पे। दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूँ घर से और दोस्तों 9:30 हो रहा है अभी, 9:15। और दोस्तों जाके घर से चाय वाय पी करके और फिलहाल चल दिया हूँ सीतामढ़ी के लिए। दोस्तों बहुत सारे आइटम ख़त्म हो चुका है, जैसे गमछा वमछा जो है ना, बहुत सारा आइटम ख़त्म हो चुका था। और आइटम ख़त्म रहता है तो बहुत ढीला मन से फेरी होता है, अच्छा से फेरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए 5,000 के माल ही ले आते हैं तब तक। तो चलते हैं दोस्तों अभी सीतामढ़ी माल लाने। तो अभी भी धुंध बहुत ज़्यादा है और देख सकते हैं कितना अंधेरा है धुंध से, और चलते हैं दोस्तों सीतामढ़ी। अभी सीतामढ़ी दुकान में चल कर मिलते हैं। और अभी भी अभी जो है ना, धूप का रंग जैसे है, पूरी तरह से फ्रेश मौसम है, धुंध तो है ही लेकिन लग रहा है कि धूप उगेगा। तो देखते हैं क्या होता है, फिलहाल चलते हैं दोस्तों दुकान में चल कर मिलते हैं। दोस्तों इतना ज़्यादा धुंध है, इतना ओस गिर रहा है कि जब गाड़ी चलाते हैं थोड़ा दूर ही गाड़ी चलाते हैं कि पूरा मुंह भीग जाता है बस, देखते हैं पूरा गीला हो गया है। और दोस्तों शीशा बंद करते हैं तो दिखाई नहीं देता है, इतना ज़्यादा धुंध है, इतना धुंध है दिखाई नहीं देता है, इसलिए शीशा खोल के चलते हैं। शीशा खोल के चलते हैं पूरा मुंह फट जाता है ओस से, पानी पानी हो जाता है। धीरे धीरे चला रहे हैं गाड़ी 30-35 के स्पीड में। तो अभी आ गया हूँ सीतामढ़ी मार्केट दुकान में और माल अभी छाट लिए हैं, यही लिए हैं थोड़ा सा प्लाजो व्लाजो, नाइटी व्यूटी सब लेगी प्लाजो सब। तो अभी हिसाब करवा लेते हैं उसके बाद में निकलेंगे, और थोड़ा गमछा भी लेना है तो ये ले लेते हैं, उसके बाद में गमछा लेंगे। दोस्तों गमछा भी ले लिया और चलते हैं, सबको एक जगह लोड कर लेते हैं गाड़ी पे, गाड़ी अलग रखा हुआ है, लगाया हुआ है, तो गाड़ी पे सबको लोड कर लेते हैं। दोस्तों अभी मैं घर चल रहा हूँ और माल ले लिया हूँ, कितना देख सकते हैं इधर आगे गमछा है थोड़ा में और पीछे है बोरा में थोड़ा सा। तो अभी मैं चल रहा हूँ घर दोस्तों, और टाइम दोस्तों 11:15 हो गया है और गाड़ी भी बना है, तो फिलहाल सैलून में पहुँच के फिर मिलते हैं। और दोस्तों सुबह के समय में जो है ना बहुत ज़्यादा धूल था, अभी थोड़ा कम हुआ है, फिर भी है ठंडा तो इतना ही है लेकिन धूल थोड़ा थोड़ा ख़त्म हुआ है। फिलहाल दोस्तों सैलून में पहुँच के और फिर मिलते हैं, नाश्ता करते हैं। देख सकते हैं लिट्टी समोसा है, तो नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद में, बगल में ही सैलून है तो दाढ़ी बनवाएंगे। ये हो गया तो दाढ़ी और बाल दोनों बनाना है, और बना के फिर मिलते हैं। दोस्तों दाढ़ी बना के भी अभी चल दिया हूँ और चलते हैं दोस्तों घर पे, घर पे पहुँच के और फिर सब गिनती कर रहे हैं कि टोटल माल कितना का हुआ है, फिर चलते हैं घर पे। दोस्तों अभी घर आ गए और उतार लेते हैं, वो बोरा में है और इधर थोड़ा सा ये झोरा में है गमछा, बस इतना ही माल लाए हैं, टोटल कितना का है और जोड़ते हैं। और अभी दोस्तों हो गया 1:15, फिलहाल उतार लेते हैं सबको। अभी खाना खा रहे हैं तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद में टोटल गिनती करेंगे कि कितना का माल लाया हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यही खाना है हमारा, चावल सब्जी दाल, तो खा लेते हैं उसके बाद में जोड़ते हैं हिसाब करते हैं टोटल माल। दोस्तों अभी मैं स्नान स्नान कर लिया हूँ, स्नान करके और आ गया हूँ इधर, और दोस्तों टोटल माल कितना का लाया होता है आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए 3 पर्ची हमारे पास, एक है 1,000
98 यानी कि 1100, और ये वाला है 2560। और दोस्तों एक गमछा है 1110। तो टोटल यहाँ पे जोड़ते हैं तो देख सकते हैं 2560, 1110, 1100 हो जाता है 4770 रुपये का माल हो गया, 20 रुपये नाश्ता, 4790 रुपये और 50 रुपये बाल कटिंग केस कटिंग, तो 4840 रुपया। तो दोस्तों आज हमारा खर्चा और पूरा माल का पैसा मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया कितना, 4880 रुपया। तो यही हमारा आज का माल लाया 4880 रुपये का। तो चलिए दोस्तों अभी टाइम हो गया है 2:45, और दोस्तों अभी ये माल सब है, देख सकते हैं यही बोरा में का है और ये वाला है, इसमें गमछा है, तो गमछा कटिंग करना है और ये माल सब सबको सैयार लेते हैं। और दोस्तों अभी टाइम 2:45 हो गया है, इस समय का व्यू दिखाते हैं किस तरह का है, देख सकते हैं दोस्तों पूरा करकारा धूप है इस समय का, और सुबह लग रहा था कि आएगा धूप होगा आज, तो सच में आज धूप अच्छा है। तो चलिए सब माल को फिलहाल सरिया लेते हैं दोस्तों, ये नाइटी उटी से झोरा में सारा सरिया लिया, बोरा ये खाली हो गया दोस्तों, और गमछा कटना है तो गमछा काटते हैं, और इधर सरवन कटा रहा है, पकड़ रहा है, मैं काट रहा हूँ, तो चलते हैं दोस्तों काट लेते हैं गमछा को सबको। हाँ गमछा ऐसे पकड़ता है सरवन और मैं काटूँगा ऐसे चाकू से, तो और कटा गया है देख सकते हैं, तीन चौका कटा गया, और इतना दो तीन चौका और कटना है, 5 चौका लाया हुआ था, तो चलते हैं दोस्तों काट लेते हैं, काट उट के सब कुछ सरिया लेते हैं। दोस्तों सारा काट लिया, काट उट के देख सकते हैं सरिया भी लिया, और इतना बच गया है लगभग 16 पीस गमछा इधर स्टॉक में रह गया है, और सारे को सरिया लिया, इधर भी हो गया है गमछा ये सब, और कैरेट का भी माल पूरा सरिया लिया। और दोस्तों टाइम अभी हो गया है 4:45, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा सरिये की तरफ, चलिए और इस समय का व्यू दिखाते हैं बाहर का किस तरह का है, कम धूप है दोस्तों। दोस्तों सरिये में जा रहा था लेकिन नहीं गया हूँ, भैंस के खाने के लिए जो है ना भूसा में फेंटने के लिए थोड़ा सा पता तोड़ते हैं, देख सकते हैं पता सब है, तो बांस पर चढ़ते हैं ऊपर, 10 गो पुला तोड़ लेते हैं, तो चलिए ऊपर चढ़ जाते हैं और तोड़ लेते हैं। और इसको देखिए ये सफाई करके ये आ रही है, एक गुस्सा है इसको रुमाली नहीं लाया इसके लिए, भूल गया है इसके लिए, तो चलते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं तोड़ लेते हैं 10 गो पुला। दोस्तों अभी बांस पे मैं चढ़ गया हूँ और देख सकते हैं यही पता सा तोड़ लेते हैं 10 गो पुला, और तोड़ करके और उसके बाद में उतरते हैं, पता तोड़ के उतर गया, और ये 2 गो पुला है देख सकते हैं, 2 गो पुला है, और जो है ना और सरवन कृष्णा ले गया है, तो चलते हैं अब उतर गया, और देखते हैं अब क्या करना है, पानी भी पटाना है, तो देखते हैं क्या करना है। अगला में ना फाइनली दोस्तों आ गया पानी पटा करके घर, और दोस्तों अभी टाइम हो गया है लगभग 9, रात के 9 बज गया है देख सकते हैं, सारे को ये भी सुतरा है सो गया है। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में, रख लेते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।